Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the tenses and we have completed the three parts of the present tense, the present definite tense, the present continuous tense, the present perfect tense, and the fourth part is remaining. The name of the fourth part is present perfect continuous tense. हम जो सीख रहे थे वो प्रेजेंट टेंस सीख रहे थे. प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था, और आज का जो हमारा टॉपिक रहता है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहां पर इस्तेमाल होता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका मेथड, इसके वेज, इसका स्ट्रक्चर, इसके साउंड्स क्या हैं, और कौन सा तरीका है जहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है. So let's get started. ZEC English Crash Course. So the students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है present perfect continuous. Start and look at the board. The name of today's topic is topic number 4. Present perfect continuous tense. This is the name of our tense. ये आज के हमारे tense का नाम है. क्या नाम है? Present perfect continuous tense. आइए देखते हैं कि definition के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. What is the definition? What does the definition say? Definition क्या कहती है कि इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है. So let's look at the definition. Let's see what does the definition say. आइए देखते हैं कि definition क्या कहती है. Definition: this tense is used. ये tense use किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है to show an action, ऐसे action को show करने के लिए, ऐसे काम को show करने के लिए which started in the past. ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ. कब स्टार्ट हुआ? एट सम टाइम, किसी वक्त में शुरू हुआ. एट ए स्पेसिफिक टाइम, किसी मखसूस वक्त में शुरू हुआ. एट ए स्पेसिफिक टाइम, किसी मखसूस वक्त में शुरू हुआ. और एट एनी टाइम, किसी भी वक्त में स्टार्ट हुआ. ऐसा काम जो किसी वक्त में स्टार्ट हुआ पास्ट के अंदर एंड हैज बीन कंटिन्यू इन द प्रेजेंट एंड हैज बीन कंटिन्यू इन द प्रेजेंट. ऐसा काम जो पास्ट में किसी वक्त में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी तक जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उस टेंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन के अंदर इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं. दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन. ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन को शो करने के लिए. कौन सा एक्शन? व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ. कब स्टार्ट हुआ? एट सम टाइम, किसी वक्त में स्टार्ट हुआ. राइट. एट स्पेसिफिक टाइम, किसी मखसूस वक्त में स्टार्ट हुआ. और एट एनी टाइम, या किसी भी वक्त में स्टार्ट हुआ. एंड हैज बीन कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में अभी तक जारी है. उसको बताने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इसके साइंस, इसके साउंड्स और इसकी निशानियां क्या है, जिसकी वजह से हम ये पहचाने कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है. सो लेट्स लुक एट द साइंस एंड साउंड्स. What are the signs or the sounds of this tense? This tense के sounds और signs कौन से हैं? इसके sounds हैं से रहा है, से रही है, से रहा हूं, वगैरह वगैरह. ये इसके sounds हैं जिसे हम पहचानेंगे कि ये tense, ये sentence इस tense से ताल्लुक रखता है. आइए देखते हैं कि इसका syntax क्या है, structure क्या है, formula क्या है. So what is the syntax of this tense? इस tense का syntax क्या है? हम सबसे पहले subject इस्तेमाल करते हैं, the doer of an action, plus हम helping verb इस्तेमाल करते हैं, हम been इस्तेमाल करते हैं, been के बाद हम main verb की fourth form इस्तेमाल करते हैं,
जिसे इंग फॉर्म भी कहा जाता है। लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका पोर्शन रहता है। कौन सा पोर्शन? हम उसके बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अगेन, हम दोबारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे टाइम कहा जाता है। जो टाइम वाला ऑब्जेक्ट है वो शो करते हैं इस सेंटेंस के अंदर लास्ट में। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस सेंटेंस है, वो सुबह से एक अच्छी कहानी सुना रहा है। मतलब उसने सुबह से सुनाना स्टार्ट किया था और अभी तक उसका काम जारी है, अभी तक सुना रहा है, उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो रूल के मुताबिक हम सही जा रहे हैं। इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो सुबह से एक अच्छी कहानी सुनाएंगे। He has been telling, वो बता रहा है, सुना रहा है। वो सुबह से एक अच्छी कहानी सुना रहा है। He has been telling a good story since morning, वो सुबह से एक अच्छी कहानी सुना रहा है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस इसका क्या है। सेंटेंस नंबर टू, हम 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। कितने घंटों से? 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सेंटेंस नंबर टू, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी कि हम 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं? इसकी ट्रांसलेशन करना बहुत ही इजी है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड मेक इट्स ट्रांसलेशन। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल रहे हैं कब से? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। हम 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। सेंटेंस नंबर थ्री, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर थ्री कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर थ्री बनाना बहुत ही आसान है। सेंटेंस है, आपने जो किताब है वो 2022 से लिखना स्टार्ट किया था और अभी तक आपका काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इसकी ट्रांसलेशन होती है। तुम 2022 से एक किताब लिख रहे हो, तो सेंटेंस क्या होगा? यू हैव बीन राइटिंग अ बुक, आप एक किताब लिख रहे हो। कब से लिख रहे हो? सिंस 2022, आप 2022 से एक किताब लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2022। सेंटेंस के इस पार्ट को पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस का पार्ट है? ये है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का कौन सा पैटर्न है? ये फॉर्मल पैटर्न है, फॉर्मल मेथड है। हम कौन सा तरीका पढ़ रहे हैं अभी? फॉर्मल मेथड पढ़ रहे हैं हम, इसका फॉर्मल पैटर्न और फॉर्मल मेथड पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मल मेथड नहीं पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमने इसके पॉजिटिव सेंसेस कैसे बनाए। पॉजिटिव सेंसेस बनाने के लिए हमने साउंड्स इस्तेमाल किए, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं वगैरह वगैरह, ये इसके साउंड्स हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इंग फॉर्म जिसे कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट अगेन जिसे टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट का जो टाइम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 50 ईयर्स, वहां पर हम टाइम वाला ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, हैव बीन एंड हैज बीन। कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? हैव बीन एंड हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हैव किसके साथ और हैज किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दीज आर द एचवी हेल्पिंग वर्ब्स, इनको किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है ये ऑलरेडी पता है। ओके, सो दिस वाज द पॉजिटिव मेथड, असर्टिव मेथड और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव मेथड है। आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट द नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ये पता होना जरूरी है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ये लिखे हुए हैव बीन और हैज बीन हैं। हम इनके बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? लेट्स फॉलो द रूल ऑफ द सेंटेक्स। आइए हम सेंटेक्स के रूल को फॉलो करते हैं। सेंटेक्स के रूल को फॉलो करते हुए पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है और इसको कैसे इसका सेंटेक्स कैसे है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेक्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट इस्तेमाल करेंगे। नॉट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बीन इस्तेमाल करेंगे। बीन के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल, बेस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जिसे इंग फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे अगेन ऑब्जेक्ट, जिसे टाइम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, टाइम ऑब्जेक्ट अगेन इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इट्स वेरी इजी मेथड, लेट्स सी हाउ डू वी मेक इट सेंटेंसेस। सेंटेंस हमारा क्या है? अमेरिका 1986 से एशिया के ममालिक के साथ जंग नहीं कर रहा है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए, इसकी ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथड इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको नेगेटिव में कैसे तब्दील किया जाता है। सो हम लिखेंगे यूएसए हैज नॉट बीन वेजिंग अ वॉर against Asian countries, कब से? Since 1986. तो सेंटेंस हमने कैसे ट्रांसलेट किया? US has not been waging a war against Asian countries since 1986. तो ये जो सेंटेंस है, ये थोड़ा टिपिकल किस्म का सेंटेंस है और थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। तो टिपिकल किस्म के सेंटेंसेस को हम उसके रूल के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। देखें, अमेरिका, तो US क्या है? सब्जेक्ट है। Has not been, रूल के मुताबिक जो कि हमारे सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है, has not been के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया। वर्ब की इंक, बेस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इंक फॉर्म इस्तेमाल की है, तो वेजिंग हमने इस्तेमाल किया है। वेजिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अ वॉर अगेंस्ट एशियन कंट्रीज, अ वॉर अगेंस्ट एशियन कंट्रीज हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद हमने सिंस इस्तेमाल किया, और जैसे हमें पता है ऑलरेडी के जो एग्जैक्ट ईयर होता है उसमें हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो इसलिए एशियन कंट्रीज के साथ एग्जैक्ट ईयर के साथ हमने सिंस इस्तेमाल किया है। सिंस 1986 से वो एशियन कंट्रीज के साथ जंग नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है। दिस इज फॉर द सेक ऑफ द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस नंबर टू क्या है? मैंने अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट सेंटेंस लिखा है। एग्जैक्टली यही इशू है। एग्जैक्टली, एशियन ममालिक 18वीं सदी से मसाइल का सामना नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर वन। अब हम लिखेंगे सेंटेंस नंबर टू। द एशियन कंट्रीज हैव बीन, कंट्रीज के साथ हमने हैव बीन इस्तेमाल किया है, क्योंकि कंट्रीज जो है वो प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं, हम पीछे पढ़ कर आए हैं। Asian countries have not been facing सामना कर रहे हैं किसको? मसाइल का सामना कर रहे हैं। The Asian countries have not been facing the issues मसाइल का, कब से? Since 18th century 18वीं सदी से। दिस इज द सेंटेंस नंबर टू ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं एक इसका हम इजी सेंटेंस बनाते हैं, जो कि जिसका ट्रांसलेट करना, जिसकी ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो, हम वो सेंटेंस बनाइए। आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसकी ट्रांसलेशन करना बहुत आसान है। सेंटेंस नंबर थ्री। Thank you.
He has been working hard for 20 years. So the students, हमने sentence number 3 लिखा है, वो है, वो 20 सालों से मेहनत कर रहा है. तो sentence की translation क्या है? He has been working hard for 20 years. This is exactly the correct meaning. आइए देखते हैं कि sentence number 4 क्या है. मैं 2012 से English पढ़ा रहा हूँ. तो हम इसकी translation कैसे करेंगे? I have been teaching English. Sentence number 4. I have been teaching English. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. कब से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? सिंस 2012. मैं 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. सो द स्टूडेंट्स, दिस वाज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द नेगेटिव मेथड. ये पार्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जो कि नेगेटिव मेथड था. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है. सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव मेथड. सो द स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है हमारा, नेक्स्ट पैटर्न है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और इसका मेथड क्या है और इसका सेंटेक्स क्या है. लेट्स लुक एट द बोर्ड. इसका जो सेंटेक्स है वो बहुत ही ईजी है. सेंटेक्स समझ में आ जाए तो सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती. तो सेंटेक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बीन. बीन के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे सिंस या फॉर. सिंस या फॉर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट अगेन. जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसे टाइम ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके अंदर हम टाइम बताते हैं. इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, मिडनाइट, ओके, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 2 years, 4 years, 2020, ये टाइम ऑब्जेक्ट, टाइम इस्तेमाल किया जाता है. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. तो सेंटेंस नंबर 1, कर रहे हैं तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हैव द स्टूडेंट्स बीन डेवलपिंग. हैव द स्टूडेंट्स बीन डेवलपिंग. फॉर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताया गया है. तो हम यहां पर 2010 के अंदर सिंस इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है. जहां पर एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल नहीं करते. तो सेंटेंस कैसे होगा? हैव द स्टूडेंट्स बीन डेवलपिंग सिंस 2010. सेंटेंस नंबर 2 है, क्या वो आधी रात से उन्हें ईमेल भेज रहा था? रहा था नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट के अंदर है. रहा है. क्या वो उन्हें आधी रात से ईमेल भेज रहा है? तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हैज ही बीन, सेंस नंबर 1. सेंस नंबर 2, हैज ही बीन सेंडिंग देम. हैज ही बीन सेंडिंग देम एन ईमेल. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. एन ईमेल सिंस मिडनाइट, आधी रात से. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. क्या वो आधी रात से उन्हें ईमेल नहीं भेज रहा? क्या वो आधी रात से उन्हें ईमेल भेज रहा है? हैज ही बीन सेंडिंग देम एन ईमेल सिंस मिडनाइट. आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो कौन सा है. सेंटेंस नंबर 3, हमने हैज इस्तेमाल किया, हैव इस्तेमाल किया. सेंटेंस है, क्या वो 2 घंटों से संजीदा मसला हल कर रहे हैं? इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी. हैव क्या है? क्या वो 2 घंटों से, हैव दे बीन सॉल्विंग द क्रिटिकल इशू और द सीरियस इशू
द सीरियस इशू कब से? फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स। आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस को हमने कैसे पढ़ा। इस सेंटेंस का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फॉर्मल मेथड का पार्ट है। हमने सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हैव वर्ब इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर बीन इस्तेमाल किया, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, प्लस सेंस या फॉर इस्तेमाल होगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट जो कि टाइम और ऑब्जेक्ट है वो इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर वन है, क्या शागिर्द 2010 से मेहनत कर रहे हैं? Have the students been developing since 2010? Next sentence है, क्या वो आधी रात से उन्हें ईमेल भेज रहा है? Has he been sending them an email since midnight? Next sentence है, क्या वो दो घंटों से संजीदा मसला हल कर रहे हैं? Have they been solving the serious issue for two hours? So the students, this part of the sentence, this part of the present perfect continuous tense, which is the interrogative part, has been completed. ये जो part है, ये interrogative part है present perfect continuous tense का, हमने इसे complete कर लिया है। आइए देखते हैं कि इसका अगला जो part है present perfect continuous tense का, जो interrogative और negative sentences हैं, आइए देखते हैं कि interrogative और negative sentences कैसे बनाए जाते हैं। So let's switch over to the interrogative और negative sentences. So the students, ये जो पार्ट है ये है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जो कि हम सीख रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये पार्ट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कहलाता है। हमने इसके कंप्लीट सेंटेंसेस लिख लिए हैं, आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। हमने सबसे पहले फॉर्मल मेथड इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो पैटर्न है उसके अंदर हमने किसको फॉलो किया है? हमने फॉलो किया है सेंटेंस को। सेंटेंस के अंदर हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, प्लस नॉट इस्तेमाल किया, प्लस बीन इस्तेमाल किया, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, प्लस सिंस या फॉर इस्तेमाल किया, और लास्ट ऑफ ऑल प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, जिसे ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम कहा जाता है, टाइम वाला ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए? सेंटेंस नंबर वन, जैसे क्या वो दोपहर से उन्हें सबक नहीं पढ़ा रहा है? क्या वो दोपहर से उन्हें सबक नहीं पढ़ा रहा है? तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर हमने की, Has he not been teaching them a lesson since afternoon? This is exactly correct according to the syntax of this tense. ये syntax के मुताबिक exactly correct है, it's not incorrect, ये incorrect नहीं है, correct है। इसका जो सेंटेंस नंबर टू था, सेंटेंस नंबर टू है, क्या हम दो घंटों से सफर नहीं कर रहे हैं? Have we not been traveling for two hours? Have we not been traveling for two hours? ये exactly correct है सेंटेंस के मुताबिक, रूल के मुताबिक जो कि हमने ऊपर लिखे हैं। सेंटेंस नंबर थ्री क्या था? क्या अमेरिका 19वीं सदी से दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नहीं कर रहा है? ये जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की है, ये idiom के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो हम यहाँ पर idiom इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के अंदर। आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे की गई है। Has the US not been developing since 19th century by leaps and bounds? Since 19th century by leaps and bounds. By leaps and bounds means दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की। क्या अमेरिका 19वीं सदी से दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नहीं कर रहा है? Has the US not been developing since 19th century by leaps and bounds? जो कि idioms के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। So the students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। उसके अंदर हमने उसके पॉजिटिव मेथड पढ़े, नेगेटिव मेथड पढ़े, इंट्रोगेटिव मेथड पढ़े, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड पढ़े। हमने इसको कमेंट कर लिया है। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।